हेलो दोस्तों, हम फाइनली अपने ऑफिस से बाहर आ चुके हैं और अब बस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो सोचा आपको अपडेट देते, क्योंकि कल भी ब्लॉग नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ हल्की फुल्की आपको अपडेट दे दूँ। तो अभी गौरव भी पीछे आ रहा है और चलते हैं रूम की तरफ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको दिखाएंगे, वरना जाएंगे रूम पे। तो अभी चलते हैं। तो भाई गौरव भी आ चुका है। अब कर क्या रहा तू? कुत्ते की छींचे लग गई। काटिया केक? हाँ खाना है। मेरे का नहीं खा रहा, तू खाना है क्या? मेरे ना, ये कट कर दूंगा भाई मैं। तो भाई अभी हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं, ऐसे तो कुछ अपडेट है नहीं, आज व्लॉग थोड़ा छोटा ही रहेगा। मैं बताऊंगा, आ जा। निर्लज, तू फिर आ गया। तो गाइस हम लोग अपने जहाँ पे रूम वगैरह के पास जाना है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। गौरव वगैरह थक गया यार आज काफ़ी, और ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन आपको अपडेट देनी जरूरी थी इसलिए ब्लॉग बना लिया। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम ऑफिस से आ रहे हैं। 10 क्या, 10-6 टाइम हो रहा है। हाँ तो यार यहाँ पे गाड़ियाँ ऑफिस से आ रहे हैं, गाड़ियाँ तो इतनी उल्टी सीधी चलती है ना, क्या ही बताऊँ। तो देखिए कल आपने दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा अगर, तो वहाँ पर कितनी रौनक थी। यहाँ पे सब शांति शांति है। अरे बात शांति है पूरी, ये देखो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ नीचे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पता नहीं भैया, एक तो गाड़ियों का डर लगता है मुझे, उल्ट-सुल्ट चलती। बात तो है, क्या रेसिडेंसी में जाते हैं तो आराम तो मिलता है, कंफर्टेबल है एकदम। ये तो है। तो भाई दिवाली के अगले दिन कुछ ऐसा लग रहा है, शिमला बिल्कुल शांति पड़ी, लाइट वगैरह तो अभी भी लगी हुई है कुछ जगह पे उतार दी गई हैं, और सामने से पता नहीं कौन आ रहा है भाई। कुछ रात के टाइम पे ऐसा नज़ारा आ रहा है, यहाँ का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है यार। उस दिन हम लोग 10-11 बजे तक घूम रहे थे नीचे, और क्या, तब तक पूरी लाइटिंग थी। कार वारी है? वो भाई, ओए ये तो भाई कार है, मुझे वही लग रही है। वही है, कुछ करेंगे तो नहीं करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्चुअली दिवाली वाले दिन ना, अगले दिन दिवाली के अगले दिन हम लोगों को पता चला कि हमारे ऊपर जो कार थी उसमें आग लगा दी है। तो आपको मैं कार का हाल दिखाता हूँ अभी, देखिए आप। तो भाई आप गाड़ी देख रहे हो, ये पूरी तरीके से जली हुई है, मतलब आधी ढकी हुई है, वहाँ पर थोड़ी बच गई है लेकिन आगे से पूरी की पूरी जल चुकी है। अब पता नहीं किसने आग लगाई है, कौन ऐसा सी मरा कर गया। देखो अभी लाइटिंग आएगी, ये देखिए ऐसा कुछ हाल हुआ है इसका रात में, दिवाली वाले दिन पता नहीं किसने आग लगाई थी इसके अंदर, ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन भाई किसी का बहुत मोटा नुकसान हो गया। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है बट इसकी किसी ने पता नहीं बैंड बजा दी। तो गाइस आपने गाड़ी तो देख ली होगी भाई कितनी बुरी तरीके से जली हुई है। तो फिलहाल अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ब्लॉग का, किससे गौरव के, वो अभी नीचे चल के सुनाएंगे। मैं गौरव हो जाऊँ, हाँ तो किससे गौरव के फिल्टर मार लिया उसको हम लोग नीचे जाके सुनाएंगे आपको क्या कहानी है। इसके पास कहानी लिखी हुई है ना? हाँ पढ़िए। चलो भाई कहानी सुनाते हैं आपको नीचे जाके, तो अभी वहीं पर रूम पे जाके बात करता हूँ। तुम चल रहा हूँ, मैं तुम देखो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सही में भाई बहुत गौरा हो गया। तो गाइस हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं और गौरव भाई कहाँ जा रहा है? रेस्ट कर लिया, थक गया। कहाँ बैठेगा भाई? पागल हो रहा है क्या? बैठ मत जाइए। देखो भाई बैठने की प्लानिंग चल रही थी, मैंने देखा नहीं है ज्यादा सही है अभी देखे नहीं मैंने। चलो भाई अभी रूम पे जाके फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो भाई अब अपनी वीडियो का जो मेन सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। किससे गौरव के? तो भाई गौरव सुना अपने किससे? थोड़े मूड सेट कर ले, कर ले कर ले कर ले। तो ये उस टाइम मैं 10th क्लास में था। अच्छा, सभी 10th में होते हैं कभी ना कभी। तो उस टाइम मैं 10th क्लास में था। अच्छा अच्छा, लाइन कंटेंट राइटर थी लाइन। कंट्रोल कंट्रोल, पकड़ लिया। तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम ये था कि 10th क्लास में था तो पीरियड लग रहा था मेरा इंग्लिश का, इंग्लिश टीचर क्लास में थे। अच्छा, इंग्लिश के टीचर तो पक्का इंग्लिश के ही थे, इंग्लिश का पढ़ाएंगे तो इंग्लिश के रहेंगे। अच्छा, तो पढ़ता उससे पहले उस लाइन पे आऊंगा। अच्छा, उससे पहले सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मैं स्कूल में 12 साल मैंने पढ़ाई करी है। 12 साल ही करते पढ़ाई? नहीं, कोई 13 साल भी करता जब फेल होता तुम्हारी तरह। ना मेरे तो 12 साल भी कंप्लीट हो गई थी। अबे हो गई थी ना, तो फेल होने वाले 13 साल भी पढ़ते हैं। जब तू कह रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं था, जरूर जरूरी फिर मैं फेल ही होऊंगा, दिमाग भी तो होता है। चल बता।
मैं हर साल अपने पापा से पिटा हूँ स्कूल में हर साल। अच्छा ठीक है, वो भी चल कोई नई बात नहीं, वो सबके साथ ही होती। 10th तक पिटा हूँ, 11th 12th में नहीं, 10th तक। आगे तो 10th की बात है, इंग्लिश का पीरियड लगा हुआ था, इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे थे, कुदरती पापा पहुंच गए पीरियड में। अच्छा, और पापा ने रूम में एंट्री करी कि मेरा लड़का दिखाओ, मेरा लड़का है क्या गौरव नाम का, पहचान नहीं पाया तेरे को। अब सो इस काला भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। हाँ। उसमें एक क्लास में 100 से 102 ऐसे बच्चे होते हैं। अच्छा, इतने होते हैं तो पता नहीं होता किसी को। अच्छा, कि कौन किसका क्या है। तो पापा ये तो बताओ था बेटा ये मेरा नहीं, मतलब कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये नहीं पता होता। अच्छा, खुद ही पहचानो जाके। अच्छा, तो पापा घुस गए, पापा ने बोला कि गौरव गौरव है क्या। हाँ। तो सर ने बोला है। हाँ। खड़े हो जाओ, कौन है। तो मैं खड़ा हो गया। हाँ। तो पापा ने बोला, सर ने बोला कि आओ बाहर बात करते हैं। तो मैं बाहर आ गया उठ के। अच्छा, पापा क्लास में बात नहीं हो सकते थे, क्लास में बच्चे थे ना। अच्छा, तो फिर मुझे अपने पर विश्वास था कि बाहर कर बात करने में फायदा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है ना हर साल का। तो, तो, साल में एक बार कुटाई स्कूल होनी तय थी है। क्योंकि पापा को धरती पहुंचते थे। हाँ। और फिर भी कुटाई तय थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। वही जगह अंकल मूड बना के आते हैं, आज सूतने का दिन आया, चलो मारने का मन कर रहा है, किसको मारू किसको मारू, स्कूल चलता हूँ। स्कूल चले हम स्कूल। तो सर ने बाहर बुला लिया। बाहर मैं, टीचर और हम सारे गैलरी में खड़े हुए थे। अच्छा, तो पापा ने पूछा कि मेरा लड़का कैसा पढ़ता है। तो सर ने बोला कि ऐसे मैं यार किसी पढ़ा के तो आईडी लगा नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप खुद ही बता देगा कैसा पढ़ता है। कैसे भाई तू कैसा था, मैं बताता हूँ। अच्छा, सर ने बोला कि जादूगर थे क्या सर। सर ने बोला एक काम करो गौरव, आप ना ये बताओ कि आपकी इंग्लिश की बुक्स कौन से लाए हो आप। अच्छा अच्छा, इंग्लिश का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड था ना, इंग्लिश की दो बुक्स थी। अच्छा, मैंने सर एक भी नहीं लाया तो मैं भूल गया। फिर उसके बाद पहला पहला विकेट सर ने बोला पहला सर ने बोला ऐसा पढ़ता है। चलो वो रुको, अभी दूसरा भी पूछता हूँ। फिर सर ने बोला कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट सॉरी कौन सा लेसन पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट अंग्रेजी से है, कौन सा लेसन पढ़ा रहा हूँ। मैं सर बुक्स भूल गया तो लेसन ध्यान नहीं है मेरे, कौन सा पढ़ा रहे हो। वाओ ब्यूटीफुल। और सर का वो पीरियड खत्म होने वाला था, आधे घंटे से मैं करके रहा था। नहीं पता। सर ने बोला अभी रुको, अभी तीसरा भी पूछता हूँ, कन्फर्म हो जा रहा है कैसे पढ़ते हैं। सर ने बोला कि आप इंग्लिश रजिस्टर कहाँ पे है। अच्छा, नहीं इंग्लिश रजिस्टर लाए हो। मगर सर रजिस्टर लाए नहीं, बोला इंग्लिश काम कहाँ तक करा है। मगर सर मैंने रजिस्टर भी बनाया नहीं है। रजिस्टर बनाया नहीं है, बनाऊंगा। और ये बता कब की बात है। 10th के फाइनल ईयर के एग्जाम आ रहे थे, उससे कुछ दिन पहले की बात है। फिर तो कुटना बनता था, फिर तो सब रजिस्टर बनाऊंगा। सर ने बोला भाई साहब ऐसा पढ़ता है आपका लड़का, देख लो। फिर वहां से जो थप्पड़ घूमते हुआ आया ना मेरे, नहीं मेरा गाल वही सुन पड़ गया। अच्छा, उसके बाद सर ने फिर बोला जाओ अंदर बैठ जाओ। अच्छा, बैठ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, जिस दिन मैं पिटा उसके अगले दिन ही सर का तबादला हो गया दूसरे स्कूल में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये बढ़िया हो गया। लास्ट दिन में वो सूते सूते गए। सही है, सही है। काम खराब कर गया टोक। तो ये स्टोरी थी। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा कुछ गौरव का किस्सा था। खैर आज वाला इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे भाई, कहानी में सुधार ला। डाउनलोड पिट जाएगा हमारे। अच्छी नहीं थी, मतलब कुछ नहीं मिला था। उन्हें किस्से सुना, अपना घर की कहानी सुना दी यार, स्टोरी स्टोरी मतलब घर की नहीं स्कूल की सुना दी। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए स्टोरी तो कैसे भी। चलो अब देखते हैं कमेंट में क्या आता है, कमेंट में जाएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि वीडियो तेरी जो स्टोरी थी इंटरेस्टिंग थी या बेकार थी। तो आज के ब्लॉग में इतने रखते हैं, मुझे पता है ब्लॉग छोटा है काफ़ी, तो आज के ब्लॉग में इतने रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आज के गौरव की जो किस्सा था वो कैसा लगा आप लोगों को। तो फिर से कल कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ ढूंढते हैं आपके लिए कंटेंट, और फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
गुड बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।